Thank you everyone, welcome to our village Rumbek. We are all here to help you. If you need any assistance, please do not hesitate to come. And all the runners, if you want to buy a hoodie, a beautiful black hoodie is available, and other merchandise, this merchandise will be available at Green Hill Hotel after the British, which is after 4 p.m. You can buy hoodies and t-shirts and other. सो गाइस थोड़ा लंबी बाजार घूम रहे हैं जो बहुत बड़ा बड़ा नहीं है इट्स स्मॉल ओनली इट्स स्टिल यहाँ पे लेकिन कैसे तो हम लोग थोड़ा टाइम किल कर रहे हैं कि 3 बजे को रेस डायरेक्टर से रेस का ब्रीफिंग होने वाला है लाइक हाउ द रूट विल बी कैसे क्या करना है एंड क्या रूट फॉलो करना है क्या मार्किंग फॉलो करना है तो अभी बस लंच करके निकले हैं इट इज़ जस्ट 2:30 तो किसी तरीके से हाफ एन आवर किल करना है बिकॉज फिर से ऊपर जाना फिर से नीचे आना और एक्लिमेटाइज भी होना है क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई माउंटेन ये है तो एंड स्टीप कैमरे में तो दिख नहीं रहा होगा बहुत स्टीप है कल हालत फटने वाली है तो 30 किलोमीटर्स मतलब मैं 30 किलोमीटर्स कर रही हूँ उसका कट ऑफ है 7 आवर्स मतलब अगर मैंने 7 आवर्स के अंदर 30 किलोमीटर्स नहीं किया तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड DNF डिड नॉट फिनिश तो वो आ जाएगा अगर फिनिश कर लिया तो मेडल मिल जाएगा लाइक क्वाइट ऑब्वियस वैसे ही 65 किलोमीटर्स के लिए 15 आवर्स मतलब उन लोगों को 15 आवर्स के अंदर 65 किलोमीटर्स कवर करना है देयर इज अनदर कैटेगरी 12 किलोमीटर्स उन लोगों के लिए शायद 3 आवर्स है एंड दे विल मोस्टली रन मतलब रोड ट्रेल्स ही होगा हम लोगों का 30 में फॉरेस्ट ट्रेल्स थोड़ा बहुत ग्रेवली रोड 65 का तो चलो और भी ज़्यादा है एंड दे विल गेट अ व्यू ऑफ स्लीपिंग बुद्धा लाइक दे विल गो टू द समिट हमें नहीं देखने को मिलेगा मे बी आई विल ट्राई नेक्स्ट ईयर फॉर 65 अभी के लिए 30 करके देखते हैं और विद इन 7 आवर्स कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं An honor that you guys have chosen to be part of the Hell Race and Rumbek is ready to host you. If you need any assistant, we are ready here. You can ask any support from any one of us. We will start the race briefing very soon. Good afternoon, champion. Why? Because what you guys are doing is the fundamental thing that any human being. इसने वहाँ पे almost हर record को destroy कर दिया क्योंकि हम कभी सोचते थे कि क्या 1400 को कभी कोई 20 घंटे से कम में कर पाएगा and this guy did in like 14 hours and 30 minutes I think. तो 10 किलोमीटर में कोई भी कोई क्वेश्चन हो तो चेंज हो गया है तो इनिशियली पिछले साल तक क्या था कि हम श्रीकोला ब्रिज जाते थे डायरेक्ट वहाँ से गुरुदम चढ़ते थे बट अभी यहाँ नहीं जाना है यहाँ से 400 मीटर पे एक पुलिस चेक पोस्ट है वहाँ से आप लेफ्ट लोगे अभी क्योंकि रोड मार्किंग हुई नहीं है गाड़ियाँ चलती हैं तो उसको हम आज रात को कर देंगे आपको मिलेगा बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये जो पुलिस चेक पोस्ट है यहाँ से आप लेफ्ट टर्न लेंगे एकदम घूमेंगे फिर इस रोड से जहाँ से आप सभी लोग जीत के आए होंगे आते हुए भी उस पर जाएंगे ऑलमोस्ट 2.3 किलोमीटर के बाद एक जीप ट्रैक ऊपर जाता है
2.2, किसी की GPS में 2.2 आएगा, किसी में 2.3 आएगा। तो बट आफ्टर 2 किलोमीटर जहाँ पे आपको फर्स्ट जीप ट्रैक आपको आपके राइट हैंड साइड में मिले, वहाँ पे वाइट मार्किंग है, आप देख लेना, बहुत से रनर हैं, वो रूट देखा भी होगा। वहाँ से आप ऊपर जाएंगे, ऊपर से आप एक मोनेस्ट्री को क्रॉस करके फॉरेस्ट शर्ट को करके आप ट्रेल पार्क को टच करेंगे। तो वो जो ट्रेल है उसको ब्लैक फॉरेस्ट ट्रेल बोला जाता है। फिर आप जावे गए तो आपको पता लगेगा कि ब्लैक फॉरेस्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि धूप कम आती है तो वहाँ पे नीचे जो पत्थर और उन सब का कलर काला है वहाँ पे ना। फर्स्ट आपका हाइड्रेशन पॉइंट होगा वहीं पे जहाँ से आप ट्रेल के अंदर एंटर करेंगे, मतलब अबाउट फॉरेस्ट कम हो गया आफ्टर ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर, 5.2 किलोमीटर, ठीक है। उससे आप ऑलमोस्ट 450 मीटर का एलिवेशन गेन हो जाएगा आपका वहाँ से। फिर उसके बाद वो ट्रेल इजी चलती है, आप अपर सैफी गांव को क्रॉस करेंगे, फिर एक नीचे रिवर को क्रॉस करेंगे। तो रिवर क्रॉस करने के बाद फिर गुरदून के लिए एक क्लाइंब, दूसरा क्लाइंब आता है, क्योंकि आपका थोड़ा सा टफ क्लाइंब होगा। इन रनों नॉट फॉर एलीट बट हाँ, डेफिनेटली जो लाइफ स्टाइल रनर्स हैं, और आई थिंक कि मोस्टली लाइफ स्टाइल रनर्स ही आते हैं रेसेस में, एलीट कम ही आते हैं किसी भी रेस में। अब मुंबई मैराथन में तो सारे किप्चोगे के जैसे तो आते नहीं, ऐसे भी आते हैं कि जो 6 घंटे में भी करते हैं 5 में, तो यहाँ पे भी वही है। तो वो सेकेंड क्लाइंब होगा, तो उसको करके आप एक सीमेंटेड ट्रेल पे जाके मिलेंगे जो उससे बाहर के वहाँ से ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर के बाद उससे एक रास्ता जाता है ऊपर संदकपुर की तरफ, एक जाता है नीचे, सामने पत्थर पे 30K लिखा हुआ है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे हाइड्रेशन पॉइंट नहीं लग सकता, इसलिए उससे जस्ट 20 मीटर ऊपर आपको मिग्मा का होम स्टे है, हमेशा हाइड्रेशन पॉइंट वहीं रहा है। सो ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर के बाद वो पॉइंट आएगा, वहाँ पे बंदा होगा आपको गाइड करने के लिए कि आपको इस गेस्ट होम स्टे पे जाना है, हाइड्रेशन लो, वहाँ आपका बिग नंबर लिखा जाएगा। तो वो चाहे किसी को हाइड्रेशन लेना है या नहीं लेना है, लेकिन वहाँ सबको जाना है, क्योंकि वहाँ की जिसका भी बिप नहीं नोटेड होगा सो दैट गाय विल बी डिस्क्वालीफाइड, उसको माना जाएगा कि उसने रन नहीं किया है। इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना, आपको मिग्मा होम स्टे तक जाना ही है, वो जहाँ आप उस ट्रेल पे करते हो उससे जस्ट 20 मीटर ऊपर आपको दिखेगा वो नीचे से, वहाँ पे हाइड्रेशन होगा और वो जो कट है उसके ऊपर एक वॉलंटियर होगा आपको गाइड करने के लिए, आप यहाँ जाइए और फिर वापस नीचे आ जाइए। ओनली 20 मीटर, हाँ आफ्टर 11 किलोमीटर। हाँ इंग्लिश वाले में से इस ब्रीफिंग के बाद मिलेंगे, नहीं मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं इनको भी नहीं समझा पाऊंगा, सो मैं इंग्लिश में दे दूंगा पूरा आपको इसके बाद ब्रीफिंग के बाद। फिर उसके बाद आप नीचे आते हैं, ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर आप नीचे आएंगे। आप भी अगर इफ एवरीवन इन व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसमें किसी ने वीडियो डाला था कि ये इतने मार्कर क्यों है यहाँ पे, जिसमें अपर श्रीफला की, तो क्या है वो जो पहले थे आप जो नीचे श्रीफला ब्रिज से जाते थे तो उधर ऊपर जाने के लिए मार्किंग थी वो, और जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो आपको सामने बस वही दिखेगा कि 30K अपर श्रीफला लिखा हुआ है, बड़े बड़े पत्थर उनके ऊपर, उनके साथ से एक ऊपर जीप ट्रैक जाता है, आपको नीचे रोड पे नहीं आना क्योंकि उससे तो आप श्रीफला ब्रिज पे ही आ जाओगे। वो है जहाँ से वो आप ऊपर दो बड़े बड़े पत्थर हैं जिन पे लिखा है, उनके साथ से छोटा रास्ता जाता है, उससे आप ऊपर चले जाओगे, अपर श्रीफला जाओगे, उससे कल्याण ब्रिज निकलोगे, फिर वहाँ से पूरा जीप ट्रैक आता है नीचे श्रीफला ब्रिज तक, फिर श्रीफला से इधर आप फिनिश करोगे। आपके हाइड्रेशन पॉइंट होंगे ऊपर फॉरेस्ट रोड पे ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर के बाद, गुरदुम पे, अपर श्रीफला पे, श्रीफला ब्रिज पे, और बस यहाँ पे 30 किलोमीटर पूरा नहीं है, ऑलमोस्ट 28 किलोमीटर है, बट स्टिल यू हैव 7 आवर्स ऑफ कट ऑफ टाइम। कोई क्वेश्चन इसके लिए? तो अभी हम लोग रिबिक की गलियों में रात में वॉक करते हुए, काफ़ी पीसफुल है ऐसे तो, मैक्सिमम गाड़ी भी गाड़ियाँ दुकान बंद हो गया है, ज़्यादा कुछ है नहीं। एक यहाँ पे बेकरी है, ताज बेकरी, आई थिंक अच्छा होगा, अभी तो सोच रहे मोमो खाए। और यहाँ पे दो मॉन्स्टर थार से खड़े हैं, वाइड एंगल में नहीं दिख रहा होगा। ये रिम्बिक बाज़ार रोड है, इसमें बैंक, ATM, हालांकि ATM में पैसा नहीं है,
और सब्जी लेना है तो, एंड दवाई दुकान ये सब कुछ मिल जाएगा। हम लोग रेस वेन्यू की तरफ जाते हुए अभी नंदिता ये ट्रैकिंग पोल लेके दौड़ने वाली है। ओके यार So one, well, it's a trial. One, two, three, go! Yes, together. Wow. Can we ready? Okay, now we're ready for the first. Okay, can we open again for the first now? Okay. So and we're going to do countdown. Okay, it's countdown time. Five countdown. Five. Four. Three, two, one, go! गाइज मैंने ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर्स कर लिया है। हालत ख़राब है। 11 करने में मुझे विद इन 2 hours लाइक 1 hour 58 minutes लगा। वेरी टफ। आई डोंट नो व्हाई आई साइन अप फॉर दिस but I do not want a disqualified tag. अब मुझे another 17 to 18 kilometers करना है within 5 hours.